तो आज हम टूर करने वाले एक ऐसे ही शांत एंड ब्यूटीफुल गांव का जिसका नाम है सोइल। ये करीबन 25 किलोमीटर्स दूर है मनाली से एंड काफ़ी इजी रास्ता है इस यहाँ तक पहुँचने के लिए। स्पेशली ये एक टाइम पे फॉरेनर्स का हब हुआ करता था, यहाँ पे काफ़ी पार्टीज होती थी, बट आई थिंक कोरोना के टाइम से कैफेज काफ़ी बंद हो गए एंड ये काफ़ी शांत जगह में कन्वर्ट हो चुका है। पहले इस गांव में क्योंकि काफ़ी कैफ़ेज़ चलते थे, आप स्कूटीज़ एंड गाड़ी एक पॉइंट तक अंदर ले जा सकते थे, बट अब कहा जाता है कि गांव वाले जमदग्नि ऋषि को मानते हैं और उनकी शांति को ध्यान में रखते हुए इन रास्तों को बंद कर दिया गया है। तो आपको गाड़ी यहीं पार्क करनी पड़ेगी, यहाँ से ऊपर आपको हाइक करके जाना पड़ेगा। लोकल से बात करके आपको हमेशा नई चीज़ें जानने को मिलती हैं। जब मैंने भी यहाँ के विलेज वालों से बात की तो मुझे पता चला कि यहाँ पर कहा जाता है कि जो हम जिस पानी वाले एरिया में जा रहे हैं वहाँ पर पहले सतयुग के टाइम पे दूध की नदियाँ बहती थी, और शायद वही रीज़न है कि बारिश में यहाँ का पानी कभी गंदा नहीं होता जैसे नदियों में हो जाता है। एक स्पॉट पर एंड हमने यहाँ पे कर लिया था अपना खाना पीना, कि आगे हमें लग रहा था थोड़ी सी भीड़ हो सकती है, तो ये हमारी जगह है जहाँ हमने चूज़ करी थी कि यहाँ पे हम खाना वाना खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड फिर आगे जाएंगे। तो यहाँ से कुछ 10 से 15 मिनट का वॉक है एंड काफ़ी ईजी सा वॉक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं, छोटा सा लंच या ब्रंच करने का सोच रहे हैं, तो दिस इज़ द स्पॉट। Let's leave the past behind. Walk with me. सुंदर होने के साथ साथ इस पूरे पानी में कहा जाता है कि ट्राउट फिशेस भी मिलती है। अगर आपके पास प्रॉपर परमिशन है फिशिंग की तो आप यहाँ पे अच्छे से फिशिंग कर सकते हैं एंड इट विल बी अ ब्राउनी पॉइंट फॉर यू। तो ये है मेन सॉइल जगह जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे लोग ही नहीं दिखते हैं मुझे, मतलब हार्डली आप अगर 11-12 के पास आ रहे हो तो मुझे कुछ फैमिलीज दिखी थी आते हुए, बाकी ये पूरा खाली होता है। और अब आइए मेरे साथ आपको। जब यहाँ पे मैंने बात की लोगों से तो पता चला कि ये एक्चुअली में पूरे जो घर बने हुए थे ये पार्टी करने का स्पॉट था। रात के टाइम पे आप यहाँ पे बॉनफायर करो, आपको जैसे एंजॉय करना है गाने बजाओ। काफ़ी शांत जगह है तो यहाँ पे शोर शराबा होने पर भी गांव तक नहीं पहुँचता है शोर पानी की वजह से। तो ये वो स्पॉट था एंड इनमें से एक दो जो घर डिस्ट्रॉय किए थे वो इसलिए हुए थे क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड थी वो, तो वो परमिशन नहीं थी इसलिए उन्होंने अपने एरिया वाले को तोड़ दिया एंड ये जो एक दो बचे हुए हैं दैट वाज लीगल इसलिए रखा हुआ है। तो वो अगर आप जगह देख पा रहे हैं वहाँ पे पहले कैफेज होते थे तो काफ़ी एंड क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो इतनी भीड़ नहीं है, उन्होंने सारे कैफेज यहाँ के बंद कर रखे हैं, तो आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड बहुत सारा इंजॉय कर सकते हैं। तो सोइल विलेज यहीं ख़त्म नहीं होता, इसी के साथ साथ यहाँ पे एक मंदिर है, एक टी हाइक की जगह है एंड एक बहुत ही अमेजिंग नेचुरल पूल है जहाँ पे आप गर्मियों में इंजॉय कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूँगी, तब तक के लिए टाटा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।